हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सारे लोग? आई होप कि आप सारे लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो मुझे लग रहा है कि आप सारे लोगों ने करवा चौथ की शॉपिंग कर ली होगी, लेकिन मैंने भी थोड़ी सी शॉपिंग की है। कई दिनों से बारिश हो रही थी तो निकल नहीं पाई, तो मैं लेकर के आई हूँ। एक तो ये चूड़ा सेट है। तो चूड़ा सेट तो ऐसे होते हैं कि अगर हम चूड़ा सेट ही अकेले पहन लें तो भी हाथ पूरा भर जाता है। इस तरीके से बीच में एक चौड़ा है और साइड में रेड वाले कंगन है और बीच में गोल्डन वाले कंगन है। ये सीप के हैं, तो अगर हम इनको अकेले ही पहन लेते हैं तो भी भर जाते हैं हमारे हाथ। और इसके साथ ही अगर हम इसमें चूड़ियाँ इनके बीच में मिलाना चाहें इस तरीके से, तो और मिला सकते हैं एकदम हैवी करने के लिए, लेकिन ज़्यादा नहीं मिला सकते, दो दो तीन तीन ही मिला सकते हैं। लेकिन दो दो भी मिलाई तो चार हो गया एक हाथ में। तो अगर मिलाएं तो भी अच्छा है, ना मिलाएं तो भी अच्छा। और अगर आप वैसे कभी भी चाहें तो भी आप उनको अलग अलग, जैसे चौड़ा वाला एक बार पहन लिया फिर पूरा ना लगाएं तो भी चलेगा। और इसके साथ ही मैं ये सिंगल वाले कंगन लेकर के आई हूँ। और आपको पता है कि हमेशा महंगी चीज़ ही नहीं अच्छी लगती, सस्ती चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है। और आप विश्वास करेंगे, मैं ये केवल और केवल 50 रुपये के ये कंगन लेकर के आई हूँ, और इतने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं कि शायद है कि मतलब 100 का तो आइडिया लगा ही सकते हैं कि 100 रुपये में होंगे, लेकिन सच में 50 रुपये का मैं लेकर के आई हूँ। मंगल बाज़ार से पिछली बार गई थी तो मैं लेकर के आई थी, तो ऐसे ही रखे हुए थे। और आज मैं गई थी सरोजनी मार्केट दिल्ली में, तो वहाँ से मैं ये लेकर के आई हूँ। 2 डिब्बियाँ हैं, तो ये भी 100-100 रुपए की हैं और इनमें 8-8 कंगन हैं। आप इनको चाहे एक एक करके डालें या दो दो करके डालें, इस तरीके से भी डाल सकते हैं, या चार चार चूड़ियाँ भी आप इसमें डाल सकते हैं, या चार चार कंगन भी डाल लें तब भी अच्छे रहेंगे। और आज मैं चूड़ियों का तो बहुत ही कम सेट बना के दिखाऊंगी, लेकिन आज केवल अगर आप कभी कंगन ही कंगन ले लेना पतले वाले तो भी चलेगा। और ये रेड और गोल्डन और ग्रीन तीन कलर में ये मैं एक लेकर के आई हूँ। इसमें भी 8 पीस का है और ये भी ओनली 100 रुपीज़ का है। तो कहने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि हर महंगी चीज़ ही अच्छी लगती हो, और 100 रुपये बहुत ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। तो मतलब कुल मिला के ये देखिए, ये तीनों चीज़ों से अब मैं आप लोगों को कई एक सेट बना कर के दिखाऊंगी, और ऐसे ही मैं कोई ना कोई सेट भी कैरी करूंगी। तो ये देखिए, चौड़े वाले कंगन में हमने एक एक कंगन इस तरीके से मिला दिया है, तो ये भी प्यारा लग रहा है, भरा भरा लग रहा है, क्योंकि कंगन में पहले से ऑलरेडी एक ये मिरर वर्क है किनारे से, और जब इसके साथ में हम दूसरा भी ऐड कर दे रहे हैं तो ये डबल लग रहा है। हालांकि जो कंगन में मिरर वर्क है वो गोल्डन में है और ये सिल्वर वाला मिरर लगा हुआ है, तो देखिए एकदम चौड़ा चौड़ा सा बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो आप चाहें तो इसको मिला करके पहने या अलग से। और चलिए अब इन्हीं कंगनों के बीच में हम एक एक जो मल्टी वाले हैं उनको एक एक ऐड कर देते हैं। और इनको जब हम एक एक ऐड करेंगे तो ये देखिए एक साइड से ये इस तरीके का हो रहा है, तो चलो दोनों साइड का कर लेते हैं। तो पूरा हाथ भर जाएगा। अगर चूड़ा नहीं ख़रीदा है तो कोई बात नहीं है। और आप देखिए 250 रुपये में बहुत ही प्यारा सा कमाल का सेट बन के तैयार हो गया। ये आप देखिए बहुत ही प्यारा लगेगा इस तरीके से अगर बना के पहनते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा चूड़ियाँ ही ली जाएं, चूड़ियों के साथ ही मैच किया जाए, कभी कभी कुछ डिफरेंट भी हम ट्राई कर सकते हैं। और पता है कि आजकल तो कुछ भी पहन लो, जो भी पहन लो वही फैशन में आ जाता है, उसी को हम लोग फैशन का नाम दे देते हैं। तो चलिए इसको हम और किस तरीके से कर सकते हैं तो वो भी देख लेते हैं एक बार ट्राई करके। तो अब मैंने क्या किया, मैंने चौड़े वाले कंगन हटा दिए हैं और अब मैं केवल जो मल्टी वाले हैं और जो ये सिल्वर मिरर वर्क वाले हैं, तो इनको देखिए 3 कंगन वो वाला लगा है मल्टी वाला, और 4 कंगन
इसके लगाए हैं इस तरीके से। तो ये भी बहुत ही प्यारा सेट लग रहा है, इस तरीके से पूरा हाथ ही भर जाएगा इसमें भी। और फिर भी आप चाहते हैं तो इनके बीच में भी आप एक एक चूड़ियाँ ऐड इसमें कर सकते हैं तो भी अच्छा लगेगा, या इस तरीके से केवल हम इन कंगनों के बीच में एक एक चूड़ी डालें तो भी अच्छा लगेगा, या हम अगर चार चार पहन लें तो भी अच्छा लगेगा, और इसके भी चार पहन लें तो भी अच्छा लगेगा। कहने का मतलब है कि हम एक ही चीज़ को कई तरीके से कैरी कर सकते हैं। तो ये मैंने केवल आप लोगों को दिखाने की वजह से मैंने ये कुछ चार छः चूड़ियाँ ली हुई हैं ग्रीन कलर की, मैं निकाल के लाई हूँ। तो ये देखिए, जैसे मैंने दो कंगन लगा दिए सिल्वर वाले, एक हाथ के चार है ना, और चार चूड़ियाँ मैंने बीच में ग्रीन डाल दी हैं। तो इस तरीके से भी ये बहुत ही प्यारा सेट लग रहा है। और अगर आप चाहें तो जो ये सिल्वर वाले हैं इसके बीच में मल्टी वाला भी लगा देंगे तो और भी प्यारा बन जाएगा। तो बस थोड़ा सा आइडिया लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और जो हमारी रखी हुई चूड़ियां हैं उन्हीं से हम मिक्सअप करके तैयार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम को जब भी ज़रूरत पड़े तो हम बाज़ार से ही लेकर के आएं, बस हाँ कुछ एक ला सकते हैं। ये देखिए मैंने कंगन भी लगा लिया आप लोगों को दिखाने के लिए, तो देखिए इस तरीके से भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो अगर हमारे पास जैसे चूड़ियाँ वगैरह रखी हैं तो हम इस तरीके से अगर कुछ कंगन वगैरह ले आते हैं तो भी मिक्स करके इस तरीके से पहन लेते हैं। आपको ये सेट कैसे लगे आइडियाज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।